नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह और शुरुआत करते हैं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का हुआ आगाज। 27वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का नजरुल मंच से उद्घाटन किया। यह फिल्म फेस्टिवल 1 मई तक चलेगा। इस मौके पर फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा समेत फिल्म जगत से जुड़े तथा टॉलीवुड की हस्तियां मौजूद रही। करीब 40 देशों की 163 फिल्में दिखाई जाएंगी। एक कदिन चलचित्र उत्सव सबकिछ उत्सव थके उत्सव मुखरित उच्छासित উল্লাসিত চলচ্চিত্র জগৎ এই কদিন আলোর জোয়ারে নিজেদের মন খুলে আড্ডা মারবে, আলোচনা করবে, কথা বলবে, ভাববে, চিন্তা করবে, আরো ভালো করে কি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। করোনা কো লেকর কাল পিএম কি বৈঠক মে শামিল হো সকতি হে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনর্জি। देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण का बढ़ना पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ इस मसले पर एक बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली इस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ भाजपा की तरफ से जनहित याचिका दायर। पूरे कोलकाता में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ भाजपा की तरफ से एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें 76 अवैध निर्माणों का हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है कोलकाता कॉर्पोरेशन के भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न वार्डों में। इससे बहुत सारे सामाजिक दुष्कृति आकर के समाज विरोधी कार्यकलाप कर रहे हैं। इस हेतु हमें हमारे पास जो सूचना आई है उसमें से 200 से अधिक 144 जो वार्ड है, कुल वार्ड जो है कोलकाता के अंदर, उसमें 200 से अधिक इस तरह की घटनाएं हैं। दलित ने कहा, अनुव्रत जाए जेल नहीं तो कर दी जाएगी हत्या। बीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को लेकर पहले ही भाजपा के एक विधायक ने चेतावनी दी थी। अब इस बार खुद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भी अनुव्रत मंडल को सलाह दे डाली। उनका मानना है कि बीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष की कोई हत्या कर सकता है। इस कारण अनुव्रत को सलाह देते हुए दिलीप घोष ने कहा, तुलनात्मक रूप से जेल ही उनके लिए सुरक्षित है। हमारा तो मना है, उन्हें हाजिरा दिए, यदि सीबीआई जेले पठाए जेले जावा उचित ना हले, किंतु ताके मेरे फैला हवे। हमें प्रेशर सामने बोल छी, কারণ যত কিছু ঘোটালা হয়েছে বড় বড় সব জায়গায় ওনার নাম জড়িয়েছে, আর সব কিছুর ভেতরের খবর উনি জানেন। ওনার মুখ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় পার্টি বেঁচে যাবে, ভাইপো বেঁচে যাবে, অনেক বড় বড় নেতা বেঁচে যাবে। সেজন্য হয়তো রাজাকে বাঁচাবার জন্য মন্ত্রীকে মেরেও দিতে পারে। आग बरसा रही गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, चलेगी ताप लहर। कोलकाता में पारा 38.4 डिग्री सेल्सियस तो जिलों का तापमान 40 के पार। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। पुलिस ने बंजारा गिरोह के 4 मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। मोबाइल चोरी को लेकर मशहूर बंजारा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए लेक टाउन थाने की पुलिस ने 2 महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बस व ट्रेन में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे। अधिक संख्या में मोबाइल एकत्रित हो जाने के बाद उससे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्करी करने वाले गिरोह को बेच दिया करते थे। और कितने लोग इसमें शामिल है, लेक टाउन थाने की पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। दोस्त के हाथों दोस्त की हत्या। बानरहाट थाने की पुलिस द्वारा रविवार की देर रात गैरकाटा हिंदू पाड़ा डिवीजन लाइन से खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद किया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। युवक की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने दशरथ उरावा को गिरफ्तार किया है, जबकि मृत युवक का नाम राज थापा है और वह बीरपाड़े के संलग्न इलाके का रहने वाला था। जान लेते हैं देश दुनिया का हाल।
कांग्रेस में पीके की एंट्री, सोनिया की वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, सचिन पायलट भी कर सकते हैं मुलाकात। एक नजर डालते हैं मनोरंजन पर। बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा, ग्लैमर वर्ल्ड में बनाना चाहती है करियर। एक नजर डालते हैं धर्म जगत से जुड़ी खबरों पर। हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी समेत विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस बार वरुथनी एकादशी मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। विशेष खबरों के लिए बने रहें खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।